तो गाइस मैं आज लो आप लोगों से ना एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। मेरे सो गाइस मैं आप सबसे एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आपको मैंने बताया कि अभी मौसम जो है बदल रहा है, जिसमें इंसानों को भी नॉर्मली वायरल वगैरह हो रहा है, फीवर हो रहा है, ठंड हो रही है, उल्टी आ रही है और वॉमिटिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं लूज मोशंस भी लग रहे हैं। तो ये मौसम का जो प्रभाव है, सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, ये कहीं ना कहीं हम जैसे जो हमारे पेट्स होते हैं उनके ऊपर भी पड़ता है। ठीक है, तो आप लोगों को इनका ख्याल कैसे रखना है वो मैं आपको जो है डाइट के माध्यम से बता चुकी हूँ कि डाइट आपको जो मैंने बताई है अभी, डाइट की वीडियो आप लोगों ने देखी है, उसमें मैंने आप लोगों को वेजिटेबल्स के बारे में बताया और सारी चीज़ें दिखाई। ठीक है, कि कैसे आपको कट करके देना है और किस तरह से देना है, कितनी देर तक देना है। तो इससे आपके पेरेंट्स जो है ना बचे रहते हैं बीमार होने से। और दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर इन केस आपके पेरेंट्स को कभी फीवर हो जाता है और आप लोगों को समझ नहीं आता है उस टाइम पे डॉक्टर की शॉप खुली है नहीं खुली है, रात बिरात है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उस टाइम पे आपको एक मेडिसिन लेनी है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये आइब्रोफेन मेडिसिन है, आई होप आपको ये अच्छे से दिख रही हूँ। ये देखिए, ये आइब्रोफेन मेडिसिन बेसिकली ना बच्चों का सिरप होता है पैरासीटामोल का। ठीक है, ऑरेंज फ्लेवर में होता है, इस तरीके की होती है, सेम ये सेम इसी तरीके की मेडिसिन आपको ना परचेज करनी होगी। मेडिसिन इजली आपको आपकी केमिस्ट शॉप से नियर बाय मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको ना आपने है ना इस ड्रॉप में देना है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो आप लोग के पास छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं या फिर आप सीरिंज का इस्तेमाल करते होंगे अपने छोटे बेबी पैरेट को जब पिलाते हैं। अब सेरेलैक्स वगैरह जैसे सत्तू का आटा या फिर तो कुछ भी देते हैं आप, तो उसी सीरिंज के माध्यम से आप इसे जो है दे सकते हैं। बट मैंने ना ये छोटी सी शीशी ली है जो डॉक्टर की दुकान पे इजिली मिल जाती है, आप लोगों के नियर बाय होगा तो। इस छोटी सी शीशी से के अंदर मैंने दवाई डाली। ठीक है, क्वांटिटी उतनी ही रखी है जितना मुझे नीड होती है। ठीक है, तो क्या करती हूँ मैं कि इसके अंदर है ना इनको है ना जिस भी, देखो आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, आपके पास चाहे एक पैरेट हो चाहे दो हो या तीन हो, आपको तीनों को सेम दवाई पिलानी है चाहे फीवर एक को क्यों ना हो। मैं आपको क्यों बता रही हूँ पता है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे का खाना खाते हैं, एक को होगा दूसरे को डेफिनेटली होगा, तो आप उससे पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, मैंने ये खुद डॉक्टर से सलाह ली है तभी मैं आप लोगों को जो है रिकमेंड करती हूँ। ठीक है, ठीक है, अगर कभी नॉर्मली फीवर हो गया आपके पैरेट को, फीवर कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप बेसिकली जब पैरेट्स को हाथ लगाते हैं, ठीक है, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। एक मिनट बाबू नीचे आना, आपकी जरूरत है, आ जाओ नीचे, आ जाओ, हाँ आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ आ जाओ, आओ जल्दी आओ, आओ जाओ, बाबू खाएगी आ जाओ बाबू, आपकी जरूरत है ना, एक मिनट आओ तो सही, आओ तो सही एक बार, अभी ये मूड में नहीं आ रही। देखो आप लोगों को क्या करना है, बेसिकली जब ये आपके हाथ में आते हैं, ठीक है, हाथ में आते हैं तो उनके जो पंजे होते हैं ना, अगर आपको लगे कि महसूस होता है कि वो गर्म है, पंजे गर्म है, और इनके ना मुंह से भी गर्म हवा आती है, ठीक है, इनकी चोच जो है वो भी गर्म होने लगती है, तो इस माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारे पैरेट को जो है फीवर है। ठीक है, तो उसकी तबीयत खराब है, तबीयत खराब होने के और भी रीजन होते हैं, जैसे कभी कभी इनकी आंखें जो है वो लाल सी हो जाती है, एकदम अलग सी दिखने लगती है। ठीक है, और एक चीज़ और है, जैसे आपका पैरेट जो है ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहा है, नॉर्मल नहीं बिहेव कर रहा है, रोज़ के मुताबिक वो मतलब ऐसे बिहेव कर रहा है कि जैसे बहुत सुस्त सुस्त सा है, बिल्कुल बैठा है, ना खा रहा है ना पी रहा है, ठीक है, किसी भी एक्टिविटी में नहीं है वो इन्वॉल्व, तो आप समझ जाओ कि आपका पैरेट अंदरूनी बीमार है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको इसको पैरासीटामोल तब भी दे देना है। आपको इसे इस शीशी को कैसे देना है, मतलब ये पूरी नहीं पिलानी है, ठीक है, इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी है, मतलब एक छोटा चम्मच होता है उसके माध्यम से आप उसे दे सकते हैं। ठीक है, और आपको सुबह शाम देनी है ये, अगर बुखार ज़्यादा है तो, और आपको चेक करते रहना है। और जिस दिन इनकी तबीयत खराब हो तो प्लीज़ आप इन्हें छोड़ के कहीं मत जाएं, इनके पास रहें, क्योंकि आधे से ज़्यादा दवा जो होती है वो उनकी वो होती है हम लोगों का साथ, इन लोगों को हम लोगों का साथ चाहिए होता है बेसिकली। ठीक है, तो आप लोग इनको छोड़ के ना जाएं। तो मैंने आपको बताया कि बुखार कैसे चेक करना है और बुखार होने पर आपको कौन सी दवाई देनी है। ठीक है, मेरे पास एक्चुअली किसी लड़की का मैसेज आया था कमेंट बॉक्स में, तो शिवन्या नाम है उनका, तो आई होप शिवन्या कि आपके लिए ये यूज़फुल रहेगी वीडियो,
मैंने स्पेशली आपके लिए बनाई है और औरों के लिए भी बनाई है, ताकि लोगों को मैसेज जा सके कि हाँ अगर उनके पैरेट बीमार होते हैं तो उन्हें आइडिया मिल सके। एक चीज़ और है कि आप लोग अपने पैरेट का डीवॉर्मिंग ज़रूर कराया कीजिए, आपके नियर बाय जो पैट से रिलेटेड मतलब बर्ड्स के जो डॉक्टर होंगे उनके थ्रू आप डीवॉर्मिंग करवाएंगे। डीवॉर्मिंग के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको एक वीडियो बनाकर ज़रूर दिखाऊंगी क्या होता है। ठीक है, वो बेसिकली देखो पेट पेट में इनके कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े होते हैं वो उसको मारता है और इनका खाना डाइजेस्ट होता है अच्छे से फिर। ठीक है, तो खाना डाइजेस्ट होगा ऑब्वियसली फिर ये अच्छे रहेंगे और अपना सारा काम करेंगे काम इन द सेंस कि एक्टिविटी करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, ठीक है, तो बीमार कम पड़ेंगे। और सर्दी से बचने के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी मैं जब सर्दी स्टार्ट होगी, अभी तो ठंड थोड़ी सी कम है लेकिन हाँ इनके लिए ज़्यादा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया था एसी वगैरह ऑन नहीं रखना है आप लोगों को। ऑलराइट, सो होप करते हो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों के कमेंट्स से मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे इंस्पिरेशन मिलती है आप लोगों के कमेंट के थ्रू। और यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 जितनी जल्दी हो सके मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए। मेरे सब्सक्राइबर्स अभी तक कम है, 50 भी नहीं पहुँचे हैं, कम से कम 100 तक तो होने चाहिए इस वीडियो के बाद, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल वीडियो बनाई है। मैं आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करूँगी, वो धीरे धीरे शेयर होगा, लेकिन मुझे ना सब्सक्राइबर्स अपने बढ़ाने हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, तो आप लोगों का मुझे मतलब ये लगा लो कि अभी सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। आप ही लोग हो जो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और आपके ही सपोर्ट के माध्यम से मैं आपके लिए यूज़फुल वीडियो बनाकर आप तक शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, आपके घर में जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी मेरी वीडियोस, तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए है ना। चुलबुल चुलबुल, देखो कहाँ चढ़ गया गोलू। सो होप करते हो आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियोस को आप लाइक कर रहे हैं, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब को बढ़ाइए। इस बार मेरा पूरा पूरा टारगेट है कि आप लोगों को 1000 सब्सक्राइबर तो नहीं लेकिन 100 सब्सक्राइबर्स तो अभी तक करने ही करने हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे ना मंजिल की ओर। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को शेयर करें और जितनी जल्दी हो सके 100 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। अगर मेरे वीडियो में लगा लो 50 भी होते हैं सब्सक्राइबर्स, तो अगली वीडियो मेरी बहुत जल्द आएगी आप तक। ठीक है, लेकिन 50 सब्सक्राइबर से पहले आपको वीडियो नहीं आएगी मैं आपको पहले बता रही हूँ, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगी आपके लिए और वो वीडियो बहुत हेल्पफुल के साथ साथ मतलब बहुत एनर्जेटिक रहेगी, एनर्जेटिक के साथ एंटरटेनमेंट रहेगा उसके अंदर। तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वो जल्दी जल्दी वीडियो शेयर करूँ, तो आप लोगों को पहले लाइक शेयर और कमेंट करना पड़ेगा और 50 सब्सक्राइबर्स मेरे पूरे करने पड़ेंगे। देखो मैं 50 बोल रही हूँ पर मुझे पूरा है कि ना आप लोग उस वीडियो उस सब्सक्राइबर्स को मेरे 1000 तक जरूर पहुँचाएंगे। देखो चुलबुल भी कह रही है ना चुलबुल। हाँ सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए, देखा मेरी मिट्टू भी कह रही है हाँ बढ़ने चाहिए चुलबुल बता दो सबको, मिठू बताएगी, मिठू बोलो सबको 100 सब्सक्राइबर्स कर देंगे आप, मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाना है, बोलो हम लोग और भी वीडियोस लेकर आने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, ये देखो ये देखो ये देखो, देख रहे हो आप लोग, देख रहे हो आप लोग, आ जाओ आओ 100 सब्सक्राइबर करने चले देखो मिट्टू खुद आ गई करने के लिए, कह रही मैं करवाती हूँ रुक जाओ 100 सब्सक्राइबर्स कह रही है मैं करवाती हूँ।